नमस्कार किसान भाइयों, आपका भारतीय कृषि कर्म में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं जहाँ पे गुड़ बनता है, किस तरीके से गुड़ बनाए जाते हैं उनके बारे में आज बातचीत कर रहे हैं। देख रहे होंगे कि आप हमारे हाथ में गन्ना है, हम गन्ना चूसते हुए आपको पूरा दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे गुड़ का काम किया जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाई गन्नों का पूरा चट्टा यहाँ पे लगा हुआ है। ये आप देखिएगा, पूरा गन्ने के एकदम चट्टे जो खेत से आपके गन्ने यहाँ पे लाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो इंजन है और मोटर भी लगा हुआ है बिजली से, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि इससे आपके ये चलते हुए ये आप पूरा देख रहे होंगे कि यहाँ पे गन्ने का आपका पूरा सिस्टम है। ये देखिए भाई साहब कितना पूरा दिन काम करते हैं और रस निकालते रहते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे रस निकाला जा रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे रस निकाला जा रहा है, देख लीजिए कैसे आपका रस बस जा रहे हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। और आइए मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो आपके जो रस निकल रहे हैं यहाँ से ही पूरा पीस कर ये यहाँ पे आ जाता है, और इस तरीके से ये पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा वहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ये पूरा वहाँ पे सुखाया जाता है। और ये वेस्ट नहीं होता है, इसको दोबारा इस भट्टी में आग लगाने के काम आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक भी ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो वेस्ट हो जाए। तो गन्ने का ये जो आपका ये आप जो सूखा हुआ भूरा देख रहे हैं ये भी काम में आ जाता है, इसको जलाने के काम में आ जाता है, तो काफ़ी अच्छा है। आइए और ये रस कैसे निकाला जा रहा है देख रहे होगे, कितना बढ़िया मशीन है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये नाली आपकी बनी हुई है, और अगर आप फोकस करें तो ये देखिए यहाँ से जो गन्ने का जो रस आया है पूरा यहाँ से रस आते हुए यहाँ पे ये जो कबाड़ आप देख रहे हैं कितनी गंदगी है यहाँ पे, तो ये सब साफ होगा गन्ने के रस यहाँ पे आपके इस पहले जो चैम्बर है इसमें आने के बाद। आप देख रहे हो यहाँ पे आपका ये पाइप लगा हुआ है, ये जो पाइप से आपके पूरे रस क्या होता है कि ये पहला जो आपका चैम्बर है इसमें आपके पहले गन्ने के रस आपके यहाँ पे गिरते हैं। और जो भी यहाँ पे आपका कबाड़ आप देख रहे होगे कितना मतलब अजीब सा लग रहा होगा, आप जो गुड़ खाते हो वो कहते होगे कि यार इतना साफ कैसे आ जाता है। तो बहुत मेहनत वाला काम है, जो काम यहाँ के लोग करते हैं उन्हीं को ही पता है। तो जो भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी आपकी गंदगियाँ हैं इस तरीके से साफ़ करते हो, और साफ़ कैसे होता है यहाँ पे आपके जंगली भिंडी का रस आपका यहाँ पे है। ये देखिए आपका जंगली भिंडी का रस है, इससे ये ऐसा केमिकल आप मान सकते हैं कि इसमें कोई केमिकल का यूज़ नहीं होता है, प्राकृतिक तरीके से आपके गुड़ यहाँ पे बनाए जाते हैं, कोई रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है। तो ये जो भिंडी का रस है इसी रस को क्या किया जाता है, इसमें डाला जाता है, ये जो पहली जो आपकी दूसरी और पहली और दूसरी कढ़ाई है इसमें डाल दिया जाता है भिंडी के रस को। इससे क्या होता है जो भी इसकी जो गन्ने की जो गंदगियाँ हैं वो ऊपर झाग बन के आ जाते हैं, और झाग बन के आने के बाद यहाँ पे आप देख रहोगे उठाने के लिए जैसे भाई साहब के पास वो पत्तल है उससे इन झागों को उठा लिया जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपके बनाए जा रहे हैं, और ये जो रस है इस रस को उठाकर फिर अगले वाले चैम्बर में आपका रखा जाता है। ये जो आपका चैम्बर देख रहे हो कि यहाँ से उठकर आपका यहाँ पे आ जाता है, ये सारे गर्म हीट हो रहे हैं, और आप देख रहे होगे कि वहाँ से आपके क्या किए जाते हैं इनको भट्टी में जलाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका रस हो गया, और भाई साहब देखिए यहाँ पे कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये जो है देखिए ये लास्ट जो ये ऑप्शन है यहाँ पे आपका क्या होता है कि ये जो गुड़ है लास्ट काम यहाँ पे होता है, बहुत देखो खोल रहा है बिल्कुल। तो वहाँ पे आप जो देख रहे थे कि काला आपका पड़ा हुआ है, तो काले से आपके धीरे 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 ये देखिए लाल फॉर्म में आ गया है, और बिल्कुल बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है यहाँ तक आते आते। तो आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका ये हो गया, आगे आपको और दिखाते हैं, और चलिए आइए हमारे साथ। देखिए किसान भाइयों, ये जो है भाई साहब जो काम कर रहे हैं देखिए बिल्कुल एकदम लाल आपके हो चुके हैं, और लाल से होते हुए ये यहाँ पे आपका आता है, और यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कुछ देर यहाँ पे ठंडा कर लिया जाता है, फिर इसको फेटा जाता है। आपके फेटने के बाद यहाँ पे ये जो आपका तराजू है इस तराजू में क्या किया जाता है, जो भी किलो के हिसाब से गुड़ को जैसे ये यहाँ पे भाई साहब ने बनाया है किलो के हिसाब से इस गुड़ को क्या किया जाता है बनाकर फिर बाज़ारों में बेचा जाता है। तो काफ़ी मेहनत वाला काम है, आपको ऐसा लगता होगा कि हम जो मार्केट से कोई भी चीज़ लाते हैं बना और खाते हैं उनको गुड़ हर किसी को पसंद है,
ठीक है ना। तो इनमें जो मेहनत होता है, जो काम होता है, तो वो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कितने मेहनत के बाद आपका कोई भी काम यहाँ पे हो पाते हैं। तो मैंने कोशिश किया है पूरा कि जो आपका जो गुड़ का काम आपके किस तरीके से होते हैं बिल्कुल अच्छे से दिखा सकूं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और दूसरे दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए ताकि वह भी ये चीज़ें देख सकें कि आखिर काम किस तरीके से किए जाते हैं। क्योंकि कोई भी काम देखिए इतना आसान नहीं होता है, काम आप करोगे तभी जाके आपको फल मिलेगा। तो यही चीज़ हम बताने की कोशिश करते हैं हम अपने हर एक वीडियो में कि आपको मेहनत करते रहना है, फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।